मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 2023 तिथि सनातन पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून को सुबह 11:16 पर होगा और इस तिथि का समापन 4 जून को सुबह 9:11 पर होगा। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 2023 3 जून 2023 को ही रखा जाएगा। यह शनिवार का दिन ही रहेगा। यह व्रत विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में रखा जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या वट सावित्री व्रत में विशेष अंतर नहीं है। इस विशेष दिन पर शुभ मुहूर्त में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधती है। इस विशेष दिन पर वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा क्योंकि मान्यता है वट वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए वट वृक्ष को पूजा की जाती है। साधकों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री पूर्णिमा का पूजा मुहूर्त इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त उत्तम मुहूर्त 3 जून को सुबह 7:07 से सुबह 8:51 तक रहेगा। दोपहर को पूजा का मुहूर्त 12:19 से शाम 5:31 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 2:03 से 3:47 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 3:47 से शाम 5:31 तक रहेगा। मान्यता है कि वट यानी बरगद इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से यह भी पता चलता है कि सुहागन स्त्री में कितनी ताकत होती है, कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की शक्ति रखती हैं। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत तथा पूजन किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्म निष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया राज्य पाठ वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास होता है। सदा माता लक्ष्मी का सदैव आपके घर में वास बना रहेगा। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।